बेटा मैं अभी बताऊंगी ऑस्मो कन्फर्मर्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, राइट अभी हम करेंगे। अच्छा बेटा अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आर्टरी टिश्यूज में गई, आर्टरी एंटर्स इन टिश्यू, और जो ब्लड वेसल टिश्यू में से निकलती है उसको क्या बोलते हैं? यस मैम वेन, वेन बोलते हैं, ठीक है। सो आर्टरी एंटर्स and the splits into capillaries, the capillaries join and forms the vein. दोबारा से बता रही हूँ, artery enters in the tissue, where it splits into capillaries, at the end of the tissue, the capillaries, they join with each other and forms the vein, which comes out of the tissue. But, अब क्या है, यहाँ पे, Bowman's capsule में, हम क्या कहते हैं, यहां से क्या एंटर किया, एफरेंट आर्टीरियो, यहां पे बहुत सारी इसने कैपिलरीज बनाई इस तरह से, ये ग्लोमेरुलस बना और हम एक्सपेक्ट तो ये करते हैं कि ये कैपिलरीज ज्वाइन करके वेन्यूल बना देगी, ये आर्टीरियोल तो ये वेन्यूल, बट ऐसा है नहीं, ये है एफरेंट आर्टीरियोल, ये है इफरेंट आर्टीरियोल। ध्यान से मेरी बात सुनो, दोबारा से मैं एक चीज बता रही हूं कि नॉर्मली ये अगर कोई एक ऑर्गन है, इसमें दिस इज आर्टरी, आर्टरी ने ये डिवाइड किया और ये बना दिया आर्टीरियोल। नॉर्मली आर्टीरियोल देन डिवाइड्स इनटू वेरी मेनी थिन वॉल्ड कैपिलरीज, बहुत सारी, ये तो मैं हम नेचर की तरह दिखा नहीं सकते, बट मैनी इन्वॉल्व्ड कैपिलरीज, ठीक है। ये इस तरह से कैपिलरीज ने ज्वाइन करके क्या बनाया, विन्यूल, इन्होंने जैसे ये आर्टीरियोल्स थे ये बता दिए वेन्यूल्स, और फिर ये वेन्यूल्स ने वेन्यूल्स ने फ्यूज करके क्या बना दी,
ये वेन बना रही है। ये ब्लड इधर से इधर फ्लो कर रहा है, दिस इज वेन। ये वेन्यूल, ये वेन, क्या फर्क है इसमें? इन कैपिलरीज में से ऑक्सीजन टिश्यूज में जा रही है, टिश्यूज से CO2 ब्लड में जा रहा है। ठीक है, तो इन जनरल हम कहते हैं आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टेरियोल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्यूल्स एंड वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड। यहां पर क्या हुआ, एफरेंट आर्टेरियोल बोमेंस कैप्सूल में गया, कैपिलरीज बनी, इसी तरह से कैपिलरीज बनी, एंड देन दीज कैपिलरीज दे फ्यूज एंड फॉर्म्स एफरेंट आर्टेरियोल एंड नॉट द वेन्यूल। ठीक है, तो यहां पे अब मैंने यहां पे क्या बताना है, रीजन आप मुझे बताएंगे, रीटिया मिराबिलिया, when artery or arteriole divides to form capillaries which further fuse to form arteriole again, rather than venule, it is called as इस अरेंजमेंट को बोलते हैं रीटिया मिराबिलिया। हमें डायग्राम बनाना है बेटा, ये वाला बनाना है, वो नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए बनाया, ये आप ये मेरा मतलब जनरली बता सकते हो, है ना, थोड़ा सा बना ही सकते हैं। रीटिया मिराबिलिया मैम, ये डेफिनेशन है? हाँ, ये रीटिया मिराबिलिया की डेफिनेशन। नॉर्मली तो ये होता है, बट इन बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल में ये हो रहा है कि आर्टेरियोल फिर आर्टेरियोल बना रहा है, वेन्यूल नहीं बना रहा। तो अब मुझे रीजन बताना है आपने कि वेन्यूल क्यों नहीं बनाया, या हमने इसको वेन्यूल क्यों नहीं कहा, हमने इसको आर्टेरियोल क्यों कहा है। यहाँ पे ध्यान से मैं बता रही हूँ, नॉर्मली इसमें इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड और जो वेन्यूल एंड वेन है इसमें CO2 रिच ब्लड है। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हमने आर्टेरियोल क्यों कहा, हमने यहाँ पे वेन्यूल क्यों नहीं कहा। दो मिनट सोचो और फिर बताओ। तो मैं एक हिंट आपको और देती हूं कि दिस इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में ब्रैकेट में आप लिखोगे वेस्ट्स आर फिल्टर्ड From blood into Bowman's capsule, ठीक है? Glomerulus में से wastes filter होते हैं, blood में से कहाँ जाते हैं? Glomerulus capsule में जाते हैं। अब बताइए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि normally जो ये है, यहाँ पे जो कैपिलरीज है उसमें से क्या होता है,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा है. बाकी तो चलो फूड का ट्रांसपोर्ट, बाकी तो सब चीजें है, बट यहाँ पे मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. ऑक्सीजन टिश्यूज को दे दिया, CO2 ले लिया, और वेन्यूल और वेन में CO2 रिच ब्लड आ गया. यहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल्स की फिल्ट्रेशन हो रही है. द ऑक्सीजन कंटेंट एंटरिंग इनसाइड बोमेंस कैप्सूल इन द ब्लड इज द सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन द एफरेंट आर्टेरियो. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन ग्लोमेरुलस. दैट इज व्हाई एफरेंट आर्टेरियो फ्यूज डिवाइड्स टू फॉर्म कैपिलरीज विच फर्दर फ्यूज टू फॉर्म एफरेंट आर्टेरियो. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, यहीं पे ही लिख लेते हैं. दिस इज बिकॉज क्यों है यहां पे रीटिया मिराबिलिया, दिस इज बिकॉज देयर इज नो गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन ग्लोमेरुलस. Therefore, the oxygen content in afferent and efferent arteriole, arteriole is same. दोनों में ऑक्सीजन कंटेंट सेम है, ऑक्सीजन की तो डिफ्यूजन ही नहीं हुई. यहाँ पे ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन है, ओनली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ओके ठीक है, लिख लो फिर. ये भी बना लेना कि नॉर्मली ये होता है बट वोमेंस कैप्सूल में ये होता है. ठीक, बना लो फटाफट. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा यूरिन फॉर्मेशन. It involves three main steps. सबसे फर्स्ट आ जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सेकेंड आ जाता है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, और थर्ड प्रोसेस आ जाती है बेटा ट्यूबुलर सेक्रेशन. ठीक है जी, तो अब यहां पर आप देखो थोड़ा सा मैं this is you know this is Bowman's capsule this is PCT then descending loop of Henle, ascending loop of Henle, this is DCT
दिस इज कलेक्टिंग यहां से जो भी ग्लोमेरुलस है यहां से क्या हो रही है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वेस्ट मटेरियल कहां पे जा रहा है ग्लोमेरुलस कैप्सूल के ल्यूमन यहां से दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट इट इज प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स प्लाज्मा है ना हमने ब्लड नहीं कहा तो या ब्लड में से प्रोटीन्स भी माइनस कर दो और कॉर्पसल्स भी माइनस कर दो दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट ये सारा अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहां पे गया पीसीटी पीसीटी में से क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है ग्लूकोस अमीनो एसिड्स वॉटर सोडियम आयंस बाइकार्बोनेट आयंस ये सब रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं कहां पे ब्लड में और इसमें ऐड भी कुछ हो रहा है हाइड्रोजन आयंस पोटेशियम आयंस अमोनिया ये सब इसमें एक्टिव सिक्रीशन से ऐड हो रहे हैं धक्का मार के ब्लड में से इसमें भेज रहे हैं दोबारा से ये ब्लड से यहां जा रहा है इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेट से ब्लड में जा रहा है और ये फिर ब्लड से ब्लड और नेफ्रॉन में ही एक्सचेंज है सब्सटेंसेस ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यहां में से वाटर जा रहा है ब्लड दिस इज असेंडिंग सोडियम आयंस क्लोराइड आयंस सोडियम क्लोराइड ये ब्लड में जा रहा है यहां से सोडियम आयंस वाटर और इसमें क्या जा रहा है एच पॉजिटिव के पॉजिटिव अमोनिया ठीक है और यहां से बाइकार्बोनेट आयंस भी एब्सॉर्ब हो रही है कलेक्टिंग डक्ट यहां से थोड़ा सा यूरिया ब्लड में जा रहा है और वाटर ब्लड में जा रहा है दिस इज कलेक्टिंग डक्ट ठीक है तो अब दोबारा से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इट अकर्स इन बोमेंस कैप्सूल ओनली ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन साइट बता रहे हैं मैं पेन लेके आ जाऊं एक मिनट हाँ जी बेटा मैं पेन लेके आ जाऊं एक और हाँ हाँ लेके आओ आओ जल्दी से नहीं मैं कंटिन्यू कर लो मैं लेके आ जाऊंगा अच्छा चलो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम इन पीसीटी सम वाटर फ्रॉम लूप ऑफ हेनले कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन From DCT. Tubular secretion
a cousin PCT and BCT. It maintains pH and ionic concentration of body fluids. यहाँ पे स्टार डाल के पॉइंट है रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कितना वुमेन्स कैप्सूल में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है इट इज 125 ml पर मिनट टोटल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पर डे एक डे में कितनी है 180 लीटर्स अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 180 लीटर्स अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म्ड पर डे अप्रोक्सीमेटली अगर हम एवरेज में देखें तो 1.5 लीटर्स पर डे तो अब मेरा क्वेश्चन है कि इफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट इज 180 लीटर्स बट यूरिन इज ओनली 1.5 लीटर्स वेयर रेस्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट कोर्स दोनों मुझे मैसेज करके बताओगे ये क्वेश्चन है मैंने आपको एक बार प्रोसेस पूरी समझा दी ठीक है जल्दी से मुझे बताओ तो इट्स आंसर इज कि मैक्सिमम 99% ऑफ द अल्ट्रा फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड एंड ओनली 1% ऑफ द अल्ट्रा फिल्ट्रेट इज चेंज्ड इनटू यूरिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरिन राइट तो पहले अब ये लिख लो पहला स्टेप हम शुरू करते हैं बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ठीक है मैंने आपको पहले ही बताया कि इट अकर्स इन कैविटी ऑफ वुमेन्स कैप्स्यूल फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ठीक है दूसरी बात है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स थ्रू ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन विच इज थ्री लेयर्ड ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दैट इज फर्स्ट है एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज आपने पूरा लिखना है सेकेंड है बेसमेंट मेम्ब्रेन
बिल्कुल बात ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड है विसरल मेम्ब्रेन। यस, विसरल लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल। थर्ड आ जाता है, क्यों होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? इट अकर्स ड्यू टू फिल्ट्रेशन प्रेशर। वो कैसे आया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स ड्यू टू फिल्ट्रेशन प्रेशर। इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब देखिए क्या है ये फिल्ट्रेशन प्रेशर का क्या मतलब। ये बाहर लेट अस से 1000 पीपल, विच आर एंट्रिंग पर मिनट इन अ स्पेस इन अ रूम, और यहां से जो है 990 पीपल जो है पर मिनट बाहर निकल रहे। 10 इसमें रह गए, यस और नो? उसके बाद यस मैम। 10 इकट्ठे हुए जा रहे हैं, तो क्या होगा थोड़े टाइम बाद? क्या होगा, इस रूम में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, यस और नो? यस मैम। प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? यस मैम। तो इसी तरह से क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल एंटर कर रही है वो वाइडर है, और ये जो है इफ्रेंट वो नैरो है, जिसकी वजह से क्या है, पर यूनिट ब्लड एंटरिंग इज मोर देन पर यूनिट ब्लड एग्जिट फ्रॉम द वुमेन्स कैप्सूल। दैट इज व्हाई द ब्लड गेट्स कलेक्टेड इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इन कैपिलरीज में ब्लड इकट्ठा होता जाएगा, और जब इकट्ठा होता जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, यस और नो? और इस प्रेशर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि जा तो रही नहीं, ब्लड इकट्ठे हुआ जा रहा है, इकट्ठे यहाँ पे भी इकट्ठे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए जा रहे, तो किसी टाइम ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर खिड़की है तो यहीं से बाहर निकले, राइट? नहीं तो उनका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे, ठीक है? तो which is caused because efferent arteriole is narrower than afferent arteriole, therefore blood entering in Bowman's capsule per unit time is more than blood leaving the Bowman's capsule per unit time.
इज इट राइट और नॉट? समझ में आई मेरी बात? यस मैम, यस मैम, ठीक है ना। इसलिए पर यूनिट टाइम जो ब्लड निकल रहा है बाहर वो कम है एज कंपेयर टू ब्लड एंट्रिंग पर यूनिट, ठीक है। दिस क्रिएट्स प्रेशर। सो टोटल फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना प्रेशर है कैपिलरीज में? इट इज 60 mmHg, इतना प्रेशर है। प्रेशर्स अगेंस्ट फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर नहीं करने दे रहा बेटा, जो अगेंस्ट है। अब यहां पे क्या है, यहां से जो है लेट अस से लोग यहां से भागना शुरू करेंगे, बट यहां पर अगर कोई दरवाजा लगा हो, कुछ लगा हो जो लोगों को भागने नहीं दे रहा, ठीक है, तो वो अगेंस्ट फिल्ट्रेशन क्या है? फर्स्ट है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स बेटा पानी को इधर उधर जाने नहीं देती, ठीक है, बट जब तक पानी नहीं जाएगा तब तक बाकी सब्सटेंसेस फिल्टर नहीं होंगे, तो वो इस फिल्ट्रेशन को होने नहीं दे रहे प्लाज्मा प्रोटीन्स। वो कितने प्रेशर से रोक रहे हैं? दैट इज 32 mmHg। सेकेंड है फ्लूइड already present in renal tubule, अब यहां से फिल्टर होके ग्लोमेरुलस में जाना है या यहां से फिल्ट्रेशन होनी है लोगों की, बट यहां जिस एरिया में जाना है वहां पे पहले से ही बहुत लोग हैं, वो नहीं आने दे रहे, राइट? सो दैट इज, तो ट्यूब्यूल में पहले से ही फ्लूइड प्रेजेंट है, वो खाली नहीं है, इसलिए वो भी फिल्टर नहीं, वो भी अपना प्रेशर लगा रहा है कि फिल्ट्रेशन ना हो। तो ये कितना है? 18 mmHg, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा रब करूंगी, तो इसके ऊपर है ना हमने थर्ड, फिर नेक्स्ट आ जाता है दस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू 60 - 32 + 18, कितना हो गया? ये 50 हो गया, I'm 10. इट इज 60 - 50 इज इक्वल टू 10 mmHg. सो इतने प्रेशर से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है बोमेंस कैप्सूल, राइट? पहले लिखो ये पॉइंट, फिर ये और फिर ये, राइट? थर्ड पॉइंट है, फिर ये फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट का ये सारे पॉइंट्स लिख लो, फोर्थ। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंसिस्ट्स ऑफ whole of blood plasma
एक्सेप्ट ब्लड प्रोटीन्स, एक्सेप्ट ब्लड ना लिख के प्लाज्मा प्रोटीन्स। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या अल्ट्रा फिल्ट्रेट, आप पूरा लिख लेना अल्ट्रा फिल्ट्रेट। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेट इज इक्वल टू, दो चीजें हम कह सकते हैं, ब्लड माइनस कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये दो माइनस कर दो तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट। और प्लाज्मा अगर सिंपल लें, प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है रेट ऑफ rate of अल्ट्रा फिल्ट्रेट formed, रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या हम कहेंगे अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट is called as, क्या बोलते हैं उसको, GFR, glomerular filtration rate, it is glomerular filtration rate and it is equal to 125 ml per minute or 180 liters per day. This is amount of filtrate formed by kidneys. ठीक है जी, लिखो पहले ये लिखो फिर मैं आगे पॉइंट करती हूँ। बेटा यहाँ पे एक चीज जो आपकी बुक में थोड़ी सी कंफ्यूजन में लिखी हुई है तो मैं यहाँ स्टार डाल के लिख देती हूँ कि अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोस थ्रू किडनीज पर मिनट, कितना ब्लड फ्लो करता है, 1100 टू 1200 ml पर मिनट एंड इट इज अबाउट 1/5 ऑफ द ब्लड pumped out by ventricle, by each ventricle of heart. Each ventricle of heart per minute.
ये हमने किया था ना कि पर मिनट 500 कुछ जो है 5000 कुछ जो है ब्लड जो है वो हर वेंट्रिकल जो है पंप करती है हर मिनट में, ठीक है। उसमें से 5000 समथिंग, उसमें से अगर 1000 लेट अस से 5000 ml पंप करती है, उसमें से अगर 1000 ml है तो 1000 ml कितना हो गया, 1/5 हो गया इसका, राइट। 1000 ओवर 5000 इट इज 1/5। कितना ब्लड जो है पर मिनट किडनीज में से पास होता है और उसमें से 125 ml जो है वो अल्ट्रा फिल्टर हो जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनाता है। इज इट ओके, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट। अब नेक्स्ट हम इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ही एक बी पार्ट है, दैट इज रेगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बेटा ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि कहा तो यही हुआ है बट कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को उनकी मतलब वर्ड से कि क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है कि क्या है, क्या फिल्टर होता है, 1100 से 1200 ml फिल्टर होता है कि 125 ml फिल्टर होता है। तो इस तरह से मैंने ये आपको सिंप्लीफाइड वे में लिखवा। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। रेगुलेशन क्या है कि किडनीज ने ए वाला अमाउंट रेट जो है इसको मेंटेन करना है। अब क्या है, इफ ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, अगर ये इंक्रीज होता है, मोर ब्लड फ्लो इन किडनीज, इससे क्या होगा, GFR विल बिकम मोर देन 125 ml पर मिनट, हो जाएगा टेम्परेरी, बट फिर इसको मेंटेन करना है, कैसे करना है। दूसरा है इफ बीपी डिक्रीजेस, मैम बीपी ब्लड प्रेशर, यस बीपी इज ब्लड प्रेशर, लेस ब्लड फ्लो इन किडनीज ड्यू टू विच देयर इज डिक्रीज इन GFR विल बी लेस देन 125 ml पर मिनट। बट किडनीज ने इसको मेंटेन करना है, वो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। ये आपने लिख लिया था ऊपर वाला ना, यस मैम। पहले हम इसकी बात करते हैं, ए ये है बी ये है, इंक्रीज इन बीपी इट कॉजेस डायलेशन। डायलेशन क्या होता है, खुला करना, डायलेशन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, जिससे एक तरफ क्या हो रहा है, मोर ब्लड फ्लो इन किडनीज एंड एज आई हैव टोल्ड यू GFR मोर देन 125 ml पर मिनट, ये मैंने अभी आपको बताया। बट दूसरी तरफ कॉजेस रिलीज ऑफ, जैसे ही ये डायलेट हुआ खुला हुआ, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मस्कुलर लेयर
of afferent arteriole wall. जो वॉल है एफरेंट आर्टेरियोल की, उसमें जो मस्कुलर लेयर है उसने कैल्शियम रिलीज कर दिया. कैल्शियम आयंस जो है कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल. पूरा लिखना है आर्टेरियोल. और कैल्शियम ने जब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया, दैट कॉन्स्ट्रक्शन मतलब नैरो हो जाना ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल. आपने पूरा लिखना है एफरेंट आर्टेरियोल. दिस मेंटेन्स ब्लड प्रेशर जितना मर्जी है, ये काम चलता रहेगा. थोड़ा सा बढ़ेगा साथ ही ये प्रोसेस हो जाएगी. थोड़ा सा जीएफआर का रेट बढ़ेगा साथ ही ये प्रोसेस दोबारा से हो जाएगी. दिस मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड फ्लो इन किडनीज एंड दिस ऑल्सो मेंटेन्स GFR equal to 125 ml/min. पर बेटा ये क्या, देखो ऐसा नहीं है कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है लोगों का. हमें चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ कंडीशंस में कभी गुस्सा आ गया, कभी हमने कुछ ऐसा स्पाइसी फूड खा लिया जिसके कारण टेम्परेरी इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर. उसके कारण ये प्रोसेस जो होती है हमारे ब्लड में, हमारी किडनीज में टेम्परेरी होती है, उसके बाद ठीक हो जाता है. ठीक है, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. बट व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन हैज कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन या कॉन्टिन्यूअस हाइपरटेंशन. अगर कोई इंसान मतलब उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और वो कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहा है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, एंड ही इज नॉट टेकिंग एनी मेडिकेशन और नॉट टेकिंग एनी प्रिकॉशंस, तो उसका बीपी हाई रहेगा. और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये किडनी बेचारा कितनी काम कर लेगी. ठीक है, तो अल्टीमेटली थक हार के पहले तो कुछ टाइम मेंटेन करती है और उसके बाद धीरे 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 क्योंकि एक्सेसिव वर्किंग से किडनीज के कुछ प्रोसेसेस एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड इन दैट केस सम पार्ट ऑफ द किडनी दे डाई. क्योंकि हाइपरटेंशन से क्या होता है, सेल्स की डीजेनरेशन भी तो होती है, तो किडनीज का कुछ पार्ट डाई करके धीरे 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 क्या होता है, किडनीज खत्म हो जाती है, किडनी फेलुअर हो जाता है. तो हाई ब्लड प्रेशर, बिल्कुल ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर कॉजेस किडनी फेलियर, राइट. इसलिए हमें अपना ब्लड प्रेशर जो भी हाइपरटेंसिव है, ठीक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, उनको अपना ब्लड प्रेशर जरूर रेगुलेट करना चाहिए by exercise, by you know, by their nutrition or by the medication. It's their choice कि उन्होंने क्या करना, right? You know, when I used to, you know, at एक बार decrease in BP. Less GFR या low GFR glomerular filtration rate, less sodium in GFR या low sodium, एक ही बात है. This low sodium in GFR glomerular filtrate या लो सोडियम इन अल्ट्रा फिल्ट्रेट, इट स्टिमुलेट्स. क्योंकि कोई चीज कम जा रही है, फिल्ट्रेट कम है तो उसके कंपोनेंट्स भी तो कम होंगे. इट स्टिमुलेट्स द
मैक्यूला डेंसा इन बीसीटी. Receptors in macula densa stimulates juxtaglomerular apparatus. ये आपने लिखा हुआ है इसलिए मैं JGA लिख दिया. Full form है इसका, या juxtaglomerular cells. In afferent arteriole, उसकी वॉल में है juxtaglomerular cells. Juxtaglomerular cells release active renin. RENIN, double N वाला नहीं है, double N वाला डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, स्टमक में है. ये है RENIN. रेनिन जो है इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन. एक प्रोटीन है इनटू एंजियोटेंसिन टू. इसने क्या किया? इट कॉजेस कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल. अब जो अंदर कम आ रहा है उसको तो हम ज्यादा नहीं कर सकते, क्या करें? ठीक है, तो इसने क्या किया है, एफरेंट आर्टेरियोल को भी छोटा कर दिया ताकि बाहर भी कम जाए. अगर अंदर कम आ रहा है बाहर भी कम जाए ताकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन रहे. देयरफॉर लेस ब्लड लीव्स द वुमेन्स कैप्स्यूल पर मिनट. This maintains glomerular pressure and GFR भी maintain हो जाता है 125 mm. अगर अंदर कम आ रहा है तो बाहर भी कम जाएगा जिसके कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन रहेगा. बाहर कैसे कम जाएगा वो मैंने आपको बताया. करो ये. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा functions of tubular part. पहले आ जाता है PCT. It is highly convoluted. Convoluted मतलब coiled. Lined by brush border cuboidal epithelium. और इन दोनों का क्या काम है? Increases
सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन. Nearly 90% of ultrafiltrate is reabsorbed back into blood in PCT. ठीक है, 90% और कुछ बुक्स में यहाँ पे 70-80% लिखा है, तो यही कर लेना. आपकी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है. सो 70-80% ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेट इसे इट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द पीसीटी, जो वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस. नाइंटी परसेंट ऑफ सोडियम इज रीअब्सॉर्ब्ड हियर बाय सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप. ऑल द अमीनो एसिड्स या 100% ऑफ अमीनो एसिड्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय अगेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. स्मॉल अमाउंट ऑफ urea and uric acid are small amount are reabsorbed by diffusion, passive diffusion. ठीक है जी, तो पीसीटी में एक तो ये हो रहा है, सेकेंड है रीअब्सॉर्ब तो हो रहा है, बट पीसीटी मेंटेन्स पीएच एंड आयनिक बैलेंस. ये शुरू में जो डायग्राम बनाया था उस पे बेस्ड है. आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स मींस ब्लड एंड लिम्फ बाय एक्टिव. एक्टिव मीन्स एटीपी कंज्यूम हो रहा है, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, देन पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया फ्रॉम ब्लड इनटू अल्ट्राफिल्ट्रेट. दिस इज पीसीटी. उसके बाद नेक्स्ट है लूप ऑफ हेनले. इसके दो पार्ट्स हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग. डिसेंडिंग में से रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और असेंडिंग में से, असेंडिंग इज इम्पर्मिएबल टू वॉटर. फिर क्या मूव होता है, देयर इज एक्टिव और पैसिव मूवमेंट ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू कहां पे? मेडुलरी इंटरस्टीशियम. मेडुलरी इंटरस्टीशियम मीन्स जो नेफ्रॉन के आसपास फ्लूइड है उसको हम कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टीशियम. ठीक है, अभी हम आगे करेंगे, जब काउंटर करंट करेंगे तो उसमें बताएंगे. बट यहाँ पे ये कि डिसेंडिंग लिम्ब में से वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, असेंडिंग लिम्ब में से इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सोडियम आयन, सोडियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट्स. उसके बाद आ जाता है बेटा डीसीटी. डीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन्स एंड वाटर अंडर हार्मोनल कंट्रोल. Under various circumstances, under different conditions. बताएंगे क्या से? अभी तो मैं points लिखवा रही हूं. कौन सी conditions है जिसमें DCT में से reabsorption होती है? Then, reabsorption of bicarbonate ions. And तीसरा है Active secretion of hydrogen ions, potassium ions, and ammonia. ठीक है जी, अब ये कैसे कैसे होती है क्या नहीं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. बट आप जो है पहले ये नोट करते.